जय माता दी, कालिका माता की जय। नमस्कार मित्रों, आज हम आप पहुँचे हैं आजमगढ़ जनपद अंतर्गत गोरखपुर आजमगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जीएनपुर और लाट घाट के बीच प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर। यह देवी का स्थान इस क्षेत्र के समस्त श्रद्धालुजनों के लिए अपार श्रद्धा का केंद्र है। वैसे तो इस क्षेत्र और दूर दराज के श्रद्धालुओं में इस माता के स्थान की बहुत मान्यता है, परंतु मुख्य रूप से इस क्षेत्र में निवास करने वाले तोमर वंशीय बेरुआर राजपूतों की यह अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। बेरुआर राजपूतों के द्वारा यहाँ पर अपनी कुल देवी के रूप में इस देवी की पूजा और आराधना की जाती है। यहाँ पर इस क्षेत्र के लोग अनेक तरह के मांगलिक कार्य करते हैं, जैसे उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार, शादी विवाह आदि। क्षेत्र के श्रद्धालुगण अपने समस्त मांगलिक कार्यों के उपरांत यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तथा इसे अपनी आराध्य अधिष्ठात्री देवी मानते हैं। आप बने रहें इस वीडियो में और देखें इस माता के स्थान कालिका माता मंदिर का दिव्य दर्शन करें और यहाँ के बारे में जानें। मैं हूँ तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। यह है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ गोरखपुर राजमार्ग पर जीएनपुर लाट घाट के बीच स्थित जमीन हर खोरी धनछुला ग्राम निवासिनी कालिका माता का सुप्रसिद्ध मंदिर। नवरात्र के पांचवें दिन माता के जो पांचवें स्वरूप का त्यायनी माता की आराधना की जाती है, उन्हीं के स्वरूप का धनछुला में स्थित है चन्नाराम कालिका मंदिर। यहाँ दोनों नवरात्र में विशेष रूप से तथा वैसे तो वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ प्रायः धार्मिक तथा मांगलिक कार्यक्रम होते रहते हैं। यहाँ की साफ सफाई नियमित रूप से होती रहती है। बताया जाता है कि 600 वर्षों पूर्व तोमरवंशी दो राजपूत भाई देशाटन के लिए यहाँ पर आए थे। इस रमणीक स्थल को देखकर यहाँ अपने साथ लेकर चल रहे एक देवी प्रतिमा को धन्नी राम ने इसी वरुण वृक्ष के नीचे स्थापित किया। यह है यहाँ द्वारपाल के रूप में स्थित हनुमान जी की छोटी मूर्ति और मंदिर। यहाँ पर एक नागा साधु कुछ दिनों तक रहते थे। उन्होंने यहाँ पर यह छोटे से मंदिर में माता काली की स्थापना करवाई। यहाँ पर साफ सफाई नियमित रूप से होती रहती है। एक बिना पुत्र के दंपति के 16 वर्षों बाद माता के आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर उन भक्त ने यहाँ पर यह माता दुर्गा का एक मंदिर स्थापित करवाया। बताया जाता है कि यहाँ पर वरुण वृक्ष के नीचे स्थित माता कालिका के मंदिर बनाने का कई बार प्रयास हुआ, परंतु भयंकर सांप और बिच्छू निकल जाने के कारण माता का मंदिर निर्मित करना संभव नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि माता कालिका इसी वरुण वृक्ष के नीचे ही स्थापित रहना चाहती हैं, जहां उन्हें सुख प्राप्त होता है। इसलिए उनका मंदिर के अंदर स्थापित करने का यत्न संभव नहीं हुआ। यहां का यह स्थान अत्यंत मनोरम है। धन्नी राय के भाई मन्नी राय बाद में बलिया में जाकर बस गए और उन्होंने वहाँ पर मंदिर की स्थापना की। उनके नाम से वहाँ मनियर में तोमरवंशीय बेरुआर राजपूत पाए जाते हैं। उनके तीसरे भाई करहा परिक्षेत्र के क्षेत्र में आकर सौसरवा में बसे, जिनका नाम पाते राय था, और उनके वंशज के रूप में यहाँ भी तोमरवंशीय बेरुआर राजपूतों का 42 ग्राम स्थित है। माता कालिका माता की जय। यहाँ भक्तों के मांगलिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों के लिए विभिन्न भवन बनाए गए हैं, गलियारे बनाए गए हैं तथा इसमें वह अपने मांगलिक कार्य आदि संपन्न करते हैं।